Hello. And it's already almost midnight here. So please don't uh, mind my hair and my look and my voice. I'm already half asleep. Uh, Are is hai? Basidi kanata okay, Catment. All right. So uh, the journey for cat 2023, 2024, 2025, whatever you take, whatever you take, the early uh, the earliest start, the the earlier you start, the better it is. Uh, so uh, we have launched a paid uh, course for the app तो, तो फर्क नहीं पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वैसे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला हूँ आपको बट हाँ अगर ज्वाइन कर लो यार तो थोड़ा uh, जो पापी पेट का सवाल है वो uh, थोड़ा सा जवाब मिल जाएगा एनी वे दैट चॉइस आई लीड टू यू द एजेंडा फॉर दिस वीडियो इज नॉट यू ज्वाइन द कोर्स नॉट द एजेंडा इज दैट ओके रीडिंग uh, कॉम्प्रीशन जो कि सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर वर्बल एबिलिटी का जो है वो, करता है। वो कंप्राइज़ करता हाउ डू इट तो आज अपन क्या करेंगे ना इस वीडियो में? विल we'll बी uh, वो सॉल्व करेंगे हम लोग ओके जस्ट सम जनरल टॉक बिफोर वी स्टार्ट दैट इट्स सिंपल रीड एंड कॉम्प्रिहेंड वॉट डू डू

ओके समटाइज यू इंजॉय इट समाइज यू वॉन्ट बट देन जो जॉब आप करने जा रहे हो ना कोई ऐसा खास चैलेंजिंग होने वाला है नहीं वो लाइफ में ठीक है शुरू में थोड़ा मजा आएगा ना कि हम वो सैफअली खान की तरह कोट पहन के बर्गर खाएंगे बैठ के, के वहाँ पे वो एक दो महीने बाद झुल जाता है ओके सो लाइफ इज लाइक दैट इट्स नॉट एज इफ इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एज सच ओके सो कीप एंटरटेनमेंट अट की यू कैन से थ्रिल अट सिंपली रीड वट एवर यू कैन लेर हैंड्स ऑन ओके okay? एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए जहां पे हम जर्नल्स का बात करेंगे जहां से आप पढ़ सकते हो वो कैट के लेवल के पैसेजेस होते हैं बेसिकली आई कॉन्ट क्लेम कि वहां से आते हैं बट व्हाट आई कैन क्लेम इज कि वहां पे कैट के पैसेजेस पाए जाते हैं मे बी पहले या मे बी बाद में सो वील टॉक अबाउट इट लेटर ओके एज ऑफ नाउ यू जस्ट हैव टू गेट इन द मूड फॉर रीडिंग एवरी डे फिफ्टीन मिनट्स ओके वॉट आई ऑफर पहले ही मना कर दिया ओके okay. गॉड मैंने कहा ना रात हो गई है <laughs> राजा बोला रात है रानी बोली रात है संतरी बोला रात है मंत्री बोला रात है सुबह सुबह की बात है भाई वे अभी यहां पे रात है सुन नहीं ना मेरी बात सुन व्हाट वॉट ऑफर? नो इट्स नॉट

ओके बाकी जो भी आपको इनसाइट हैं रिगार्डिंग अदर स्टफ रिगार्डिंग मोटिवेशन एंड ऑल आई थिंक बेटा यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड इनफ इफ जस्ट बाय द फैक्ट दैट यू आर ऑन दिस चैनल वाचिंग मी राइट नाउ ओके माय क्रेडेंशियल्स वेल यार आई हैव हैव शेयर क्लासरूम विद सम ब्रिलियंट पीपल आई कैन क्लेम दैट आई हैव टॉट देम समथिंग अदो वे आई विन टू आई एम लखनऊ एंड वहाँ पे ना एक मेरे स्टूडेंट uh, ने मुझे लंच कराया उनके स्टाफ उनके स्टूडेंट्स uh, में उसमें एंड uh, जब मैं वहाँ पर खाना खा रहा था ना तो आई रियलाइज की अरे जो आस पास लोग बैठे हैं ना दे आर वे बेटर और इनको मैं क्या ही पढ़ाता अगर नहीं भी पढ़ाता तो भी देवर ऑलरेडी ऑन देअ वे टू अ गुड इंस्टीट्यूट तो आई डोंट क्लेम दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड लॉट टू समीज लाइफ बट ये वॉट आईन क्लेम इज आई नो अट ऑफ पीपल हुआ दीज टॉप इंस्टीट्यूट आई

इन एनी वे मीन टू से दैट आप मुझसे ही पढ़ लो मैं ही कुछ कर दूंगा चैंपियन बना दूंगा ऐसा कुछ नहीं है जो टीचर आपको अच्छा लग रहा हो जिससे आपका स्टाइल ऑफ टीचि टीचर ओके इफ यू लाइक मी आई एम देर अगर कोई भी मिल रहा है जस्ट गो अड एंड मेक श्योर दैट यू हैव समी टू टॉक टू विन यूर स्टॉक राइट मेरा काम चल रहा है यार बढ़िया चल रहा है राइट सो एस ओपी का मास्टर भाई बहुत लिखने वाले अभी मैंने लास्ट ईयर ही ना लास्ट ईयर क्या चल रहा है ट्वेंटी थ्री हाँ तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में ना मेरे खासे सात आठ बंदे यार ना वो यूनिवर्सिटीज में गए उनके एस ओपीजन आई आई हेल्प टू राइट दैट ठीक है तो वो काम भी आता है यार लेकिन वो काम कब आएगा वो नवंबर के बाद आएगा जब पहले आप नाइनटी ले आओगे तो उसकी बात अब करेंगे जब करनी होगी होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद ऑल राइट सर इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको रीडिंग कॉम्पिटिशन में मिलते रहेंगे उनकी बात हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस करते रहेंगे सेंट्रल पूरा concept पढ़ना पड़ेगा दोस्त आइडिया फ्लो इन्फ्लुस अगेन पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा इन्फ्लुंस के बहुत सवाल आते हैं की आइडिया एक्सेप्ट अ डेंजरस वर्ड टोन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट किया सवाल है तो उसमें से एक टोन पे होगा एंड नॉट अगेन अ वेरी डेंजरस वर्ड तो एक्सेप्ट एंड नॉट से बच के रहना है बाकी सब हम ओवर दीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे आई गेस वी स्टार्ट विदेज नाउ दिसवेंटीन स्लॉट वन आई फाइव मेमोरी यार यही है ठीक है ओके आई लिस्ट गो आउट द स्क्रीन लाइकली अंडरस्टैंडिंग वेर यू आर इन दर्ल्ड इज अ बेसिक सर्वाइवल स्किल विच इज वाय

तो ये वर्ड ना मतलब जस्ट जस्ट गूगल इट फिगर इट आउट एंड मग इट मगेडअप ये आपके दिमाग में सोते जागते ये वर्ड होना चाहिए यू शुड नॉट बी सरप्राइज बाई अरे ये क्या लिख दिया स्टैंडर्ड वर्ड है बार बार आएगा हमारे सामने मैप्स ऑफ अवर सराउंडिंग्स वे ह्यूमन आर यूनिक दो विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ हनी बीज इज दैट वी ट्राई टू कम्युनिकेट दिस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हो गया बेसिकली वर्ल्ड विद अदर्स होता क्या है ना कि हनी बीज एक हैं जो रास्ता ढूंढती हैं और अपने क्लैन में शेयर करती हैं उसी के जैसा ह्यूमंस भी ना भी हमें लगता है यार कि यार जो स्पेशल इंफॉर्मेशन uh, है ना वो हम किसी तरह से ऑन पेपर रख सकते हैं और दूसरों से शेयर कर सकते हैं दैट इज वेयर कार्टोग्राफी सी ए आर टी ओ जी आर ए पी एच वाई के एक्सेंड स्टडी ऑफ मैप्स ओके कार्टोग्राफी ओके वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डूइंग दिस बाय ड्राइंग मैप्स

Use it with students. Okay. तो यह पैराग्राफ हुआ यह बंदा बोलता है यार ऐसा है ना कहा दुनिया में है हम यह बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल स्किल के लिए एंड विद्शन जो है वो यह इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं ओके एंड देव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डूइंग दिस बाई ड्रॉइंग मैप कार्टोग्राफी का बात था अर्लियस्ट जो है वो चौदह हजार साल पहले मैप कहा बना हुआ है कहीं वायरस पे है कहीं पेपर पे है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैप मेकिंग इट इज सरप्राइजिंग दैट इट इज ओनली विद इन द लास्ट फ्यू हंड्रेड इसट नॉर्थ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली नॉर्थ इंडिया बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ नॉर्थ हैजीन कंसिस्टेंटली कंसिडर्ड टू बी एट टॉप आ अब अगर आप मैप देखो ना तो कैसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ वो कहता है लेकिन यार 14,000 थाउजेंड ईयर्स हो चुके हैं जब पहला मैप हमें मिला था एंड इतनी लंबी हिस्ट्री में मैप्स के इट इज ओनली रिसेंटली कि हमने एक्सप्रेस किया है कि नॉर्थ जो है ना वो मैप पे टॉप में रखा जाता है साउथ नीचे जाता है ऑल right. अब आई थिंक पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां पर आया है हमारे पैसेज का इनफैक्ट फॉर मच Of human history, North almost never appeared at the top. According to Jerry Broughton, that is Jerry Broughton, a map historian, North was rarely put at the top for the simple fact that North is where darkness comes from. He says, West is also very unlikely to be put at the top because West is where the sun disappears. Now, फर्स्ट पैरा वॉज हम मैप बना सकते हैं हनी बीस के जैसे हम भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं पहला जो मैप पाया गया था चौदह हजार साल पहले पाया गया था और वो कहीं, कहीं, कहीं वॉल्स कहता है, कि ये जो पूरा है ना कि यार top, तो वो कहता है इन द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग स्टडी ऑफ मैप्स ये बहुत रिसेंटा हुआ है कि हमने नॉर्थ को ऊपर रखा हुआ है ओके okay. अच्छा क्यों नहीं रखते थे फिर उसने दो रीजन दिया एक रीजन दिया इज वेरी क्योंकि नॉर्थ इज वेर द डार्कनेस कम्स फ्रॉम एंड द सेकेंड रीजन वॉज कि वेस्ट को भी ऊपर नहीं रखते हैं क्योंकि वेस्ट है जहां पे सन डिस करता है बेसिकली जब आप मैप बना रहे हैं तो थोड़ी घबराहट हो रही है कि यार इसको टॉप पे नहीं रख सकते क्योंकि यहां से अंधेरा आता है या यहां पे सन जाके डूब

तो नॉर्थ को ऑब्वियसली एम्पर है तो उनकी मान्यता है भाई सबसे ऊंचा आदमी यही है, है तो उसको रखा नॉर्थ में बाकी जनता क्या कर रही है देख रही है उसको दे आर लुकिंग अप टू हिम लुकिंग अप टूवर्ड्स हिम इन चाइनीज कल्चर द एम्पर लुक साउथ बिकॉज इट्स वेयर द कम फ्रॉम इट्स अ गुड डायरेक्शन साउथ नॉर्थ इज नॉट वेरी गुड बट यू आर इन अ पोजिशन ऑफ द सब्जेक्शन टू द एम्परा सो यू लुक अप टू हिम सेज ब्रॉटन थर्ड पैरा चाइनीज का बात करता है यार कि चाइनीज ने नॉर्थ के ऊपर रखा था बट फिर वो काउंटर करता है कि नॉर्थ इसलिए ऊपर नहीं रखा था कि उनके पास कंपस थे और यह हुआ है कंपस तो उनकी जो नीडल्स थी देर पॉइंटिंग टूवर्ड साउथ रीजन क्या था रीजन यार ये था कि राजा जी रहते थे नॉर्थ में तो जनता ना इट वॉज सपोज टू टू लुक अप हिम ओके और चूंकि राजा नॉर्थ में था तो नॉर्थ का जो पोजिशन था उन्होंने मैप पे टॉप पे रख दिया था दिस इज द रीजन गिवन बाई ब्रॉटन भाई साहब जो की कहते हैं यार ऐसा है ना कि जनता है जो प्रजा है वो राजा को ऊपर देख रही है और राजा नॉर्थ में रहता है तो नॉर्थ को हम

ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट तो वो कहता है यार अब ना इस वजह से ना कुछ मैप्स में भी ना नॉर्थ क्यों टॉप पे है नहीं है नहीं उसका कुछ खास हमें आइडिया लग नहीं रहा है इन इजिप्शियन टाइम्स द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉज ईस्ट इजिप्ट का क्या है बॉस ईस्ट पे जा रहा है क्यों द पोजिशन ऑफ सनराइज चाइना में नॉर्थ क्यों था राजा वहां बैठा हुआ था इजिप्ट ईस्ट मान रहा है क्यों ईस्ट इज द पोजिशन ऑफ सनराइज

स ने ईस्ट पे रखा है टुवर्स द गार्डन ऑफ ईडन एंड विथ जेरूसलम इन द सेंटर इनका रिलीजियस मैटर है इसीलिए नहीं है इजिप्ट जो मैप बनाता था वहां पर दे यूज टू पुट ईस्ट ऑन द टॉप बिकॉज इट वॉज द सनराइज पोजिशन ऑफ सनराइज इस्लामिक कल्चर्स ने क्या ऊपर रखा ऊपर रखा इन्होंने South, because most of the cultures they originated from north of Mecca, so they were kind of looking up towards south. And then Christian maps they were looking towards east, like in sorry, they were also looking towards east at the top. Account. Why towards the Garden of Eden and with Jerusalem at the center? This was the fourth para. All right, now we come perhaps to the last one. So, when did everyone? Get together and decide that north was the top. तो यार अब ये कब हुआ कि everybody got together and said लोग बस चाइनीज़ हैं, इस्लामिक हैं, क्रिश्चियन्टी हैं, इजिप्शियन्स हैं, वैटेरवर एक काम करते हैं नॉर्थ को ऊपर बढ़ा देते हैं। It's tempting to put it down to European explorers like Christopher Columbus and Ferdinand Magellan. ये शायद ऐ होना चाहिए थे यहाँ पे, who were navigating by the north star. But Broughton argues that these early explorers didn't think of the world like that. एट ऑल वो कहता है लेकिन यार ये जो थे ना आपने कोलंबस आर्य मैगलन साहब ये ऐसा सोचते ही नहीं थे व्हेन कोलंबस डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड इट इज इन अकॉर्डेंस विद ईस्ट बीइंग एट द टॉप ही सेज कोलंबस सेज ही इज गोइंग टूवर्ड्स पैराडाइज तो हिज मेंटालिटी इज फ्रॉम अ मेडिवल मैपा मुंडी व्हिच मींस कोलंबस सर ना वो वहां पे ज्योग्राफी ज्योग्राफी नहीं अप्लाई कर रहे हैं

ऑल so दिस स्टॉक उन्होंने जानबूझ के नॉर्थ ऊपर रखा ईस्ट ऊपर रखा ये वो सब बेकार की इज okay. जब पैसेज पढ़ते हैं ना तो मेजर प्रॉब्लम दैट वी फेस इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग पैसेज द मेजर प्रॉब्लम कौन सी चीज कहां पे लिखी थी या गॉड लिखा ही क्या था ओके नाउ दिस पर्टिकुलर पैसेज ओके अब ना लेट अस जस्ट क्लोज आर आईज ना एंड ट्राई टू रिकॉल कि यार कौन से पैरा में क्या बात हुआ था इफ आई रिकॉल करेक्टली द फर्स्ट पैरा सिंपली सेड कि यार ह्यूमंस जो है ना वो हनी बीज के जैसे जो कॉग्निटिव मैप मेकिंग में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं पहला मैप अराउंड फोर्टीन थाउजेंड ईयर्स के आसपास मिला था एंड मैप्स कहाँ कहाँ मिलते हैं केव्स के वॉल पे मिलते हैं पेपायरस पे मिलते हैं एंड पेपर पे मिलते हैं द फर्स्ट पैरा ठीक द सेकेंड कि यार नॉर्थ को ऊपर रखना ना अभी कुछ रिसेंट प्रोसेस है ये नॉर्थ हमेशा किसी भी मैप में ऊपर नहीं रखा गया है ठीक है एंड क्यों नहीं रखा गया है तो रीजन उसने दिया एक बंदे का नाम लेके ब्रॉटन का ब्रॉटन का नाम लेके बोला कि यार नॉर्थ से डार्कनेस आ रहा था इसलिए नहीं रखा वेस्ट को नहीं रखा क्योंकि वेस्ट में क्या हो रहा था सन डिस कर रहा था दैट वॉज द सेकेंड पैरा लेकिन उसकी वजह साइंस टेक्नोलॉजी यह सब नहीं था ना ही कंपासकी थी कि में रहता था तो बी राइट ऑफ द नेशन तो मैप से उन्होंने नॉर्थ ऊपर कर दिया बाकी जनता साउथ से नॉर्थ देख रही है ठीक देन दे केम यार कोई कंसिस्टेंसी वैसे मिलता नहीं है बॉस इजिप्ट वाले इस टॉप पे रख रहे थे लेकिन क्यों पोजिशन ऑफ सनराइज

फाइनली वो लास्ट में आता है इन द फर्स्ट इन द फर्स्ट बोल रहा हूँ इन दिथ पैरा एंड सिंपली से पता नहीं कब ऐसा हुआ होगा दैटरी बडी वेदर एंडाइडेड नॉर्थ को ऊपर रखते हैं कोलंबस ठीक है इनका नाम लेते हैं कि शायद इनको फिर बोलते हैं नहीं यार क्योंकि तो कोलंबस ने भी अपने मैप्स में ईस्ट को टॉप पे रखा था बिकॉज वो यूज क्या कर रहा था मिडिवल मैपाबुंडी यूज कर रहा था विच मीन अगेन रिलीजियस

All right, now what happens when you attempt a question? You know exactly कौन से पैरा में कौन सी बात हुई थी, so you can straight away go there, figure out फिर से पढ़के किया के यहाँ पे ये यह बात हुई, accordingly ये answer होगा. All right, that is why when you read, please give two three commands to your brain. Number one, read well. Number two, understand. Number three, retain boss, retain कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, इसका retention बहुत ज़रूरी है, because otherwise पढ़ना ही waste हो गया. All right. दोबारा पढ़ना पड़ता है बट एटलीस्ट हमें पता है ना कहां पे जाके पढ़ना है सो वी डोंट वेस्ट आर एनर्जी एंड टाइम इन ट्राइंग टू फिगर आउट स्कैनिंग आउटिंग वो सब ठीक बंदा फट से वापस जाएगा इन टोटलिटी ना बेटा uh, मेरा कहना यह है कि ऑफ ओवर स्मार्ट अबाउट इट ट्राई टू बी जस्ट गुड एट रीडिंग इट इज पीडी सिंपल आप देखो एक भी वर्ड यहां ऐसा नहीं जो आपको पता ना हो यार इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल मैसेज एंड फॉर गॉड सेट डायरेक्टली तो आप समझ रहे हो ना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं आता है द थिंग इज कैन यू रिटेन वट एवर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वॉट द पैसेज इज ट्राइंग टू डू यार इसमें ना मैंने ऑप्शन देखे मैं चक्कर खा गया था ठीक बट देन अगेन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की यार ये आंसर नहीं हो सकता उसके थ्रू जाने पे आंसर निकल के आता है लेट अस ट्राई

के थ्रू ऑल राइट दिस इज ऑल्सो नाउ वी कम टू नंबर टू जो कि समझ तो नहीं आया बॉस ठीक है पे किसका बात हो रहा था कोलम्बस का एंडलिन या जो भी उनका नाम है उनका बात हो रहा था ठीक है और एक मिसकनसेप्शन था कि हम इनको क्रेडिट दे सकते हैं सबसे पहले मैप ठीक ठाक बनाने का बट देन ऑथर सेज ऐसा है ही नहीं क्योंकि आधी जनता को तो पता था ही नहीं वो कर क्या रहे फिर क्रिस्टोफर कोलम्बस ने खुद ही ईस्ट को ऊपर रखा हुआ था बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर्स ओके तो कुल मिला के क्या यह कि मे बी द यूरोपियंस वर डूइंग इट राइट उसको हमारे ऑथर ने ब्रेक करने का कोशिश किया है थ्रू दिस पैसेज सो आंसर फॉर दिस वन इज टू नेक्स्ट क्वेश्चन अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉट एट द टॉप फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन

डिड नॉट ये एक, मैंने क्या बोला था यार नॉट एक्सेप्ट बड़े खतरनाक होते हैं टॉप फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट क्या क्या है क्यों नहीं रखा ऊपर नॉर्थ वॉज द सोर्स ऑफ डार्कनेस ये तो बस रीजन था एलिमिनेटेड साउथ वॉज फेवर्ड बाई समर्स हम एम्पर कौन था चाइना में तो बोला कि नॉर्थ में रहता था मोर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एंड क्रिश्चियन कल्चर्स में आप देखो दोनों रिलीजियस मैटर्स थे तब फेवर कर रहे थे हम लोग ईस्ट एंड साउथ को दिस इज एलिमिनेटेड ईस्ट वॉज कंसिडर्ड बाई समय टू बी मोर पॉजिटिव डायरेक्शन ये भी सच है यार ऑलराइट इजिप्ट right? क्या कहता है सनराइज पोलिशन ऑफ सनराइज तो ले दे के एक बचता है कि साउथ वॉज फेवर्ड बाई समर्स डिड नॉट पुट नॉट द टॉप फॉर ऑल द रीजन फॉर द ऑल फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट ये एक रीजन है जिसके आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं था कि इसके चलते हमने नॉर्थ को ऊपर नहीं रखा हुआ है ऑलराइट सो आंसर फॉर दिस इज अगेन टू

बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटी फैक्टर वॉज द रोल ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोर उसको तो काउंटर कर दिया कि भैया तुमको खुद नहीं पता कहां जा रहे हो और तुम क्या कॉन्ट्रीब्यूट करोगे ऑल राइट थ्री द बिगेस्ट फैक्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मैप्स क्रिश्चियन मैप्स ने यूरोपियन को अपनी तरह से कुछ मैपा मुंडी करके दिया था वर्ल्ड को थोड़ा दिया है आई डोंट थिंक यहां पर हमने मैंशन किया भी है द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर इज नॉट स्टेटेड बेटा देखो क्वेश्चन क्या है

ऑफ सनराइज पे फोकस कर रहे थे बाकी दोनों रिलीजियस चीजों पे फोकस कर रहे थे अर्ली इजिप्शियन मैप्स से आंसर देते हैं, हैं। आगे बढ़ जाते right, so यार यार मुझसे तो नहीं सॉल्व होता बट होता अच्छा इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम पैसेज दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स लाइक कोलंबस एंड मैगलन इसको इतना नाम नहीं पढ़वा मैं द प्रेसिडेंट फॉर नॉर्थ अप मैप्स कहां से ईस्ट लेके चल रहा था कोलंबस भाई हमारा ठीक है लास्ट पैरा में ही तो लिखा हुआ है एलिमिनेट करो नेविगेटेड बाय द कंपस ओके यूज एन ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन फॉर रिलीजियस नेविगेटेड विद द हेल्प ऑफ अर्ली मैप्स ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन क्यों था उनका इसको टॉप पर क्यों रखा था बिकॉज गार्डन ऑफ इडन विदेंटा ऑल राइट सो आंसर इज थ्री सो जितना मुझे याद आ रहा है इट वॉज टू इट वॉज टू इट वॉज टू इट वॉज फोर इट वॉज इजिप्ट एंड इट इज नंबर थ्री यू है मतलब यार ठीक ठाक चांस था यहां पर स्कोर करने का आई मीन जिन लोगों ने सेवनटीन में कैट दिया होगा अगर उनको ये पैसेज क्रैक कर गया होगा मजा आ गया होगा यार छह सवाल सीधे सीधे ये में रखे हुए राइट सो नाउ वॉट वी डेट वट वी डेट वॉट वी डेड बेटा वॉट वी डेड वॉज वाई रीडिंग द पैसेज हमने एक माइंड मैप बना लिया कि हर पैराग्राफ में क्या होता है इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक अ माइंड मैप इनिशियली क्योंकि मे बी यू हैव बीन अवे फ्रॉम रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ओके तो आप क्या कर सकते हो ना हर एग्जाम में ना आपको एक रफ पैड एंड पेंसिल पेन मिलता है यू कैन जस्ट नोट डाउन द वर्ड्स यू कैन सिंपली हनी बीस द फर्स्ट वन ठीक है इन द सेकेंड वन डार्कनेस नॉर्थ वेस्ट सन डिस थर्ड वन चाइनीज क्यों एम्पर ऊपर थ वन इजिप्ट सनराइज नॉर्थ ऑफ मेका साउथ एंड गार्डन ऑफ इडन जेरूसलम ऑल लाइट लास्ट वन कोलम्बस एंड मैगलिन अगर आप ऐसे ही पांच छह दस वर्ड नोट कर लोगे ना तो भी आपको एक, एक सर्टन आइडिया रहता है कि यार हमारे पैसेज में कौन सी बात कहां पर हुई है बिकॉज यू गो बैक रीड इट एंड आंसर टॉइस इज योअर्सटाइम्स बेट आई एम एबल टू पुट एवरीथिंग माई हेड लाइक दिस वन समाइम्स नॉट वेन आई एम स्ट्रगलिंग विदेज मैं चुपचाप पेन रहता हूं और एक एक दो दो वर्स लिख के उसको मैप रेडी कर लेता हूं अपना दिस द पैसेज सवाल थे यार uh, मेरा पहला वाला गड़बड़ हुआ था ओके आई टो का लॉर्ड ऑफ टाइम मे भी बाकी पांच रूल थे वो मेरे लिए वो मैं सॉल्व कर ले गया था एंड दिस दिस पैसेज वॉज फाउंड इन ये बीबीसी के साइट पे मिला था यार एंड दिस वाज आप देखो ना यहाँ पे दे वुड हैव रिटन द डेट और समथिंग अच्छा इस पेज पे आपको डेट नहीं मिल रहा ये 2016 में इस वेबसाइट पे पाया गया था एंड कैट 2017 का पैसेज है और right. तो एक सोर्स तो मिल गया यार बीबीसी डॉट पढ़ लो अगर इसी तरह के आते हैं तो क्या बुराई है रीड बीबीसी डॉट कॉम पे जो पैसेजेस मिलते हैं आपको आर्टिकल्स बेसिकली आर्टिकल्स नाउ स्मॉल पैसे बेटा इफ यू कंसिडर की आपके पास दो सौ दिन है और आप तीन पैसे हो यू आर सिक्स भाई छे सौ पैसेज करके जाएगा अरे हंड्रेड परसेंट नीचे कुछ नहीं आना चाहिए इसके बाद बेटा कुछ नहीं बचा है इनके बाद सात आठ तो सवाल होते हैं हमने छे सौ पैसेज किए हुए हैं वो सात आठ सवाल अलग अलग ढंग से आपके सामने आते रहते हैं

ध्यान ही नहीं क्या पढ़ रहे किसी अगर आपके भतीजी ने आगे पूछे ना कि आप पढ़ क्या रहे हो आपको ना पांच सेकंड लगता है समझने में पढ़ क्या रहा था मैं बिकॉज यू लॉस्ट बट वेन यू आर रीडिंग विद टारगेट ऑफ फाइंडिंग टू द फॉलोइंग अब कहना बेटा फोकस बढ़ता है ठीक सो so एक और एडवांटेज है इसका देन नंबर फोर एड्स टू योर लिमिटेड योरबलरी बेटा कुछ कुछ पढ़ेगा कुछ कुछ नया वर्ड रोज आएगा कुछ कुछ वो आपके वो कैब में एड हो जाएगा तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं एंड सिक्स हंड्रेड पैसेज आई डोंट थिंक एनी बड़ी गोज विदैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस बट इफ यू कैन पुल इट ऑफ अच्छा मान लेते हैं यार दो पैसेज रोज करेगा तो भी चार सौ हो गया चार सौ पैसेज भाई मेरे चार सौ पैसेज समझ रहा है तेरा होर्डिंग लगने वाला है शहर में हंड्रेड परसेंट था आय वो अवेलेबल रे मेरे तो नहीं आए और मेरे आते भी नहीं है ठीक है लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनके आए हुए हैं एंड दे वुड इन सम वे थैंक मी फॉर दैट

Don't, don't, don't take even, actually मैं do not बोलने जा रहा था, तो वो don't, don't देखा, do बोल रहा था, वैसा निकल गया. इसका बात हम, on the exam day, इसकी बात हम इसकी तो दो सवाल के हिसाब से अगर बारह सवाल है तो चौबीस मिनट पच्चीसवा नहीं लेने का बॉस रुक जाने का वहीं पर एक पैसेज पैसेज में क्या सीखा क्या लिखा हुआ था

ट यार ओके okay, यहां पर इशू हुआ था आई विल नॉट चीट माई सेल्फ आई नॉट बी डिसने आपको तो मैं गोली दे सकता हूं अरे छे के छे सही थे थीके? बट खुद को नहीं बोल सकता ना ऐसा you know यार, पहले क्वेश्चन में बेटा फसा था तू ठीक है सो जहां फंसा है ना लेकिन आंसर निकल आया है एंड द आंसर इज करेक्ट प्लीज बी वेरी 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 अलर्ट अबाउट दीज क्वेश्चन इट आउट यार यहां पर मेरी सोच गलत क्यों थी नेक्स्ट टाइम योर थॉट प्रोसेस इज नॉट डी रेल्ड वो सही रहता है ठीक बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस वन देन में चार्ट ऑफ दू ग समझ नहीं आते हैं वो बार बार गलत होते हैं लेकिन वो एक पैसे से दो पैसे से समझ में नहीं आता है हंड्रेड क्वेश्चन करेंगे तो वो पैटर्न आपको समझ में आता किस ऐसे वाले सवाल में ना मैं अटकता हूं जैसे मैं एक्सेप्ट मान के चलता ना एक्सेप्ट उसको सॉल्व करने में यहां भी हवा टाइट हो रहा था एंड आई होप आई आंसर ठीक है वो वीकनेस है तो मुझे पता है कि यार नॉट एक्सेप्ट दिखाई पड़ेगा ना भाई मैं ना सारा अपना एरोगेंस मिट्टी में डाल के चुपचाप तो दो तीन बार उसको पढ़ लूंगा तब आंसर करूंगा आफ्टर हंड्रेड क्वेश्चन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वर्क अकॉर्डिंगली बेटा सौ डेढ़ सवाल कर लोगे आपको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाएगा अकॉर्डिंगली वर्क करेगा प्रोसेस सिंपल है केस ऑफ पैसेज इट्स वेरी 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 सिंपल डे डे इन आउट आधा घंटा एक घंटा दैट्स इट एंड टेकन केयर ऑफ फाइन हाँ, इसके अलावा जो बेटा बैकग्राउंड रीड फ्रॉम इंटरनेशनल सरप्राइज ना मिले आपको वहाँ पे कि अरे ऐसा कैसा दे दिया आप हाँ, पढ़ते आए हैं यार ठीक है ऐसा ही कुछ है इट्स नॉट न्यू फॉरमी एंड वेयर वी गो अगेन यार ब्रांडिंग तो करना है यार ठीक है तो हमने पहला स्लाइड कैटमिन डाला था लास्ट स्लाइड कैटमिन डाला है

अगर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो यार ओके एंड टिल देन मिलते हैं यार अगले वीडियो में ठीक है एंड एकेडमिक uh, uh, बात ही करेंगे यार मोटिवेटेड तो हो ही रखे हो ठीक है और नहीं हो रखे हो तो कोई मदद कर नहीं सकता उसमें आपकी ठीक तो विद दैट नोट आई विश यू गुड नाइट सर एंड गुड नाइट मैम ठीक है बाय